अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, हम जमात हफ्तों के मज़मून जुग्राफिया के सबक नंबर 7 मिट्टी के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं। इससे पहले हमने मिट्टी की कौन कौन सी किस्में होती है इसके बारे में मालूमात हासिल की। अब हम मिट्टी की झीज और मिट्टी का जवाल कैसे होता है इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मिट्टी की झीज और मिट्टी का जवाल। हवा और पानी की वजह से मिट्टी की परत बह जाती है, मतलब मिट्टी की झीज होती है। बहता पानी, आबोहवा और मुख्तलिफ तबई साख्त की वजह से मिट्टी की झीज होती है। मिट्टी की जिस तरह झीज होती है, उसी तरह बाज वजूहात की बिना पर मिट्टी की जरखेजियत में बिगाड़ पैदा होता है, उसे ही मिट्टी का जवाल कहते हैं। खेतों से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए खेतों में कीमियाई खादों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नीज, जराशीम बुझ और कीड़ामार दवाओं का भी इस्तेमाल होता है। फसलों के लिए कीमियाजात और खाद के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से मिट्टी का जवाल होता है। हद से ज़्यादा आपपाशी की वजह से ज़मीन के अंदर मौजूद नमक पानी में घुलकर ऊपर आ जाता है और पानी तबखीर होने पर नमक की तह मिट्टी के ऊपर जम जाती है, जिससे मिट्टी खारी हो जाती है। कीमियाई मादों के हद से ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से ये कीमियाई मादे साल साल मिट्टी में जू केतु रहते हैं, लेकिन इन मादों की वजह से मिट्टी में मौजूद खुरदबीनी जानदारों के ख़त्म हो जाने का ख़तरा पैदा हो जाता है। इलावा अजी मिट्टी में ह्यूमस तनासुब भी घटता जाता है और नबात के लिए ज़रूरी गिजाई अज्जा मिट्टी से गायब हो जाते हैं। मिट्टी की पीएच कदर बिगड़ जाने से मिट्टी की सेहत बिगड़ जाती है, ऐसा समझा जाता है।